से बच्चों सीएलईज के सीबीएसई स्कूल चिकोड़ी कक्षा आठवीं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक और स्वस्थ हो। तो बच्चों आज की इस कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं वसंत भाग तीन से पाठ तीसरा बस की यात्रा, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। पिछले क्लास में बच्चों हमने पढ़ा था कि लेखक एक पुराने बस से पटना जाने के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वहां से उन्हें एक दूसरी बस पकड़नी है जो उन्हें सतना तक पहुंचाएगी और वहां से आगे जबलपुर को जाने वाली ट्रेन को उन्हें पकड़ना था। इसीलिए वे शाम की यात्रा करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन लोग उन्हें मना करते हैं। लोग क्यों मना करते हैं? क्योंकि जो बस थी वो बहुत ख़राब थी। लेखक और उनके दोस्त उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते और वो बस में सवार होते हैं। जब वे बस की यात्रा शुरू करते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि लोग उन्हें इस बस यात्रा करने के लिए क्यों मना कर रहे थे, क्योंकि जो बस थी वो ख़राब थी। और जब वो यात्रा शुरू हो जाती है तो जब बस में वो बैठते हैं उसके बाद बस जो है वो दो बार रास्ते में ख़राब हो जाती है। और बस का ड्राइवर और लेखक के साथ सफ़र कर रहे हैं बस का जो हिस्सेदार है, हाँ, वो दोनों मिलकर क्या करते हैं, बस को ठीक कर देते हैं। जब ड्राइवर बस को चालू न कर सका तो बस कंपनी के हिस्सेदार ने इंजन को बाहर निकाला और कुछ तो करके उस इंजन को ठीक किया और बस फिर से धीरे धीरे चलने लगी। देखिए यहाँ से आगे, धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। यहाँ पर वृद्धा किसको कहा है? बस को, ठीक है। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती देखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। जैसे ही बस आगे बढ़ने लगी तो फिर क्या हुआ, उसकी आंखों की ज्योति जाने लगी। लेखक यहाँ पर बस को वृद्धा कहा है, यानी कि बूढ़ी औरत कहा है नहीं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि ये जो वृद्धा है, जो बस है, इसकी आंखों की ज्योति जाने लगी, यानी कि उसके जो हेडलाइट थे वो धीरे धीरे कर बुझने लगे। तो फिर बस कैसे चलने लगी? चंद्रमा की रोशनी में ही बस चलने लगी, यानी कि चांदनी में ही रास्ता ढूंढते हुए टटोल कर वो रेंग रही थी, क्योंकि इसके हेडलाइट जो थे वो ख़राब रही थी। इसीलिए लेखक क्या कहते हैं, जो वृद्धा हैं जिसे दिखाई नहीं दे रहा था, वो चांदनी के रोशनी में वो रास्ता ढूंढते हुए निकल रही थी, यानी कि जो बस है वो रास्ता चांदनी चांद के प्रकाश में वो क्या कर रही थी, रास्ते को ढूंढते हुए रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र नहीं रही। देखिए यहाँ पर तो लेखक कहते हैं कि आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती देखती तो जो बस है वो एकदम से किनारे पर, रास्ते के किनारे पर खड़ी हो जाती थी और सामने और आगे वाले सामने और पीछे से जो गाड़ी आती थी उनको क्या कहती थी वो, कि बेटी अब तुम निकल जाओ, मेरी आगे निकल जाने की जो उम्र है वो चली गई है। इस प्रकार जो बस है वो किनारे पर खड़ी रहती। तो आगे लेखक कहते थे क्या, फिर क्या हुआ, एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। फिर क्या होता है बच्चों, बस का जो टायर है वो पंक्चर हो गया। बस क्या करती है, हिलकर वहीं पर थम जाती है। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि अगर बस स्पीड में होती तो क्या हो जाता था, उछल कर कहाँ गिर जाती थी, नाले में गिर जाती थी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों,
लेखक क्या कहते हैं कि टायर जो है फिस कर कर फिस यानी कि वो टायर पंक्चर हो गया। पंक्चर होने के बाद जो बस है वो वहीं पर थोड़ा सा हिली और वहीं पर रुक गई। अगर बस स्पीड में होती पहले से ही बस की जो हेडलाइट है वो चले गए थे। अगर बस स्पीड में होती तो बस कहाँ गिर जाती थी? नाले में गिर जाती थी। ठीक है, आगे देखिए। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना को सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें फसारे उसका इंतजार करते और कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपनी प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। देखिए यानी यहाँ पर जैसे ही बस का टायर पंक्चर हो गया तो लेखक किसकी तरफ देखते हैं? बस की हिस्सेदार की तरफ। वो कहते हैं कि मैंने पहली बार इसको श्रद्धा भाव से देखा। यहाँ पर श्रद्धा भाव का मतलब होता है बच्चों गुस्सा, क्योंकि बस जो है वो बार बार खराब हो रही थी और ऐसी खराब बस में वो खुद भी सफ़र कर रहे थे और लोगों को भी सफ़र करने के लिए कह रहे थे। वह टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हथेली पर लेकर बस से सफ़र कर रहे थे। लेखक क्या कहते हैं कि वो भली भांति जानते हैं कि टायर ठीक नहीं है, वो बहुत ख़राब हुए, लेकिन फिर भी वो अपनी जान हथेली पर लेकर इस बस से सफ़र कर रहे हैं। जान हथेली पर लेना यानी कि ये एक मुहावरा है, प्राणों की परवाह न करना। जान हथेली पर लेना यानी कि प्राणों की परवाह ना करना। देखिए ये मुहावरा है, मुहावरे का अर्थ है प्राणों की परवाह न करना। ठीक है, तो ये जो हिस्सेदार है इसको पता था कि बस के टायर जो है वो खराब है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा था, खुद भी इस बस से सफ़र कर रहा था और लोगों को भी कह रहा था कि इस बस से सफ़र करिए। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। उत्सर्ग का मतलब होता है बच्चों बलिदान। इस कंपनी के हिस्सेदार की बलिदान की जो भावना देखकर वो अपने प्राण यानी कि लेखक क्या कहते हैं उत्सर्ग यानी कि क्या होता है बलिदान। किस लिए बलिदान दे रहा है? उसे पता था कि टायर खराब है फिर भी उस गाड़ी में वो सफ़र कर रहा है। समझ में आया? अपनी प्राणों की परवाह न करके इस बस से वो हर दिन सफ़र करता है और लेखक बहुत ज़्यादा श्रद्धा भाव से उसकी तरफ देख रहे थे, यानी कि बहुत लेखक को बहुत गुस्सा आया था। ये उन्होंने व्यंग के लिए इस शब्द का उपयोग किया है यानी कि श्रद्धा भाव का उपयोग किया है। वो कहते हैं कि इस आदमी के अंदर बलिदान का इस जो बलिदान की भावना है उस बलिदान का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसके अंदर एक दुर्लभ गुण है और इसका सही उपयोग होना है तो इसे कहाँ होना चाहिए? क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, तभी इसके जो बलिदान का भावना है वहाँ पर उपयोग हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मारे जाते, तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते हैं। क्या कह रहे लेखक यहाँ पर? ये जो इसको पता था टायर खराब है फिर भी वो हर दिन इसी गाड़ी से सफ़र करता है, लोगों को भी कहता है कि आप इस गाड़ी से सफ़र करो। हाँ, लेकिन देखिए बच्चों यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर ये जो बस किनारे पर खड़ी थी अगर ये नाले में गिरती तो बस में बैठे सभी लोग मर जाते थे और ऊपर स्वर्गलोक में देवता जो हैं वो अपने हाथ पसारे हुए क्या कहते थे? बाहें पसारे, देखो वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला, भगवान भी उसको क्या करेंगे, उसका बाहें पसारे उसका इंतज़ार करेंगे, क्योंकि
इसने इसकी टायर खराब थी फिर भी इसने नहीं बदली, हर दिन इसी बस से सफ़र करता है। तो कहते हैं कि ये मर गया लेकिन टायर नहीं बदला और टायर के लिए अपनी जान तक दे दिया, मतलब ऐसा बलिदान की भावना उसके अंदर थी। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए, हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। फिर क्या हुआ आगे, किस तरह से दूसरा टायर लगाया था, वो कैसा होता, वो भी घिसा हुआ ही था। दूसरा लेखा क्या बताए, दूसरा घिसा टायर लगाया। अब वो कहते हैं कि बस की जो खराब हालत को देखकर उन्होंने पन्ना जाने की उम्मीद छोड़ दी थी, बल्कि ये उम्मीद भी उन्होंने छोड़ दी थी कि जीवन में कभी मैं पन्ना पहुंचूंगा या नहीं भी। वो कहते हैं लगता है जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। प्रयाण करना यानी कि आगे बढ़ना, लेखक ने प्रयाण करना इसका अर्थ यहाँ पर ये लिया है कि स्वर्गलोक सिधारना, यानी कि मरने के बाद आदमी कहाँ जाता है बच्चों, स्वर्ग जाता है, है ना। लेखक को ऐसा लग रहा था कि कहीं पर भी मतलब पन्ना नहीं पहुँचेंगे, कहीं भी नहीं या कभी भी कहीं पर भी हम नहीं पहुँचेंगे। पहुँचेंगे वो कहाँ पहुँचेंगे, हम सीधा स्वर्गलोक यानी कि मरने के बाद, क्योंकि इस बस की मुझे कोई मंजिल दिख नहीं रही है। ये कहाँ रुकेगी, क्या हो जाएगा इसके साथ, ये मुझे कुछ भी नहीं पता। इस बस की मंजिल सिर्फ आगे एक ही है, वो है ऊपर, भगवान के ऊपर रास्ता, और वो है स्वर्गलोक का रास्ता। ठीक है, तो इस प्रकार से लेखक बस की यात्रा का वर्णन करते हैं कि बस खराब होने के बाद उस बस में वो सवार होते हैं, लेकिन बहुत सारी कठिनाइयाँ उन्हें उस बस में आती हैं। बस बंद पड़ती हैं, उसके पेट्रोल ख़त्म होता है, उसके बाद बस की जो हेडलाइट्स है वो ख़राब हो जाती हैं, बस एक नाले के किनारे रुक जाती हैं। तो इस प्रकार से बहुत बहुत कठिन सफ़र लेखक का यहाँ पर हुआ है। लेखक आगे कहते हैं कि हमारी बेताबी, हमारा तनाव खत्म हो गया। कितना, जितना हम ज़्यादा सोचते हैं उतना ही ज़्यादा विचार हमारे दिमाग में आते हैं। तो लेखक कहते हैं कि हम उन विचारों को छोड़ दिए, हम ऐसे बैठ गए उस बस में जैसे हमारा वो घर है। क्योंकि जब तक हम चिंता करेंगे तो तब तक हमें डर लगता रहेगा, है ना। तो लेखक बहुत ही आराम से उस बस में बैठ जाते हैं, सब लोग चिंता छोड़ देते हैं और सब लोग क्या करने लगते हैं, हंसी मजाक करने लगते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। बस की यात्रा यह पाठ हमारा समाप्त हो चुका है। अगली कक्षा में हम क्या करने वाले हैं बच्चों, प्रश्नोत्तर भाग देखने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।